देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित कर रहे हैं। बलिदान को याद करने का है जो हमारी पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स की परिपाटी रही है। पुलिस स्मृति दिवस उन साहसी पुलिस वीरों की गाथा का भी स्मरण है जिन्होंने लद्दाख की बर्फीली चोटियों में प्रथम रक्षा पंक्ति का कार्य किया, अपना जीवन देश के लिए समर्पित किया। आज पुलिस बेड़े से जुड़े उन हजारों शहीदों को याद करने का भी अवसर है जिन्होंने आजादी से लेकर अब तक कर्तव्य पथ पर चलते हुए अपना सर्वस्व, अपनी जवानी, अपना जीवन न्योछावर कर दिया। ऐसे हर वीर वीरांगना को मैं शत शत नमन करता हूं। हर शहीद के परिवार, जिसमें से अनेक लोग यहां भी मौजूद है, मैं आप सभी के सामने भी नतमस्तक हूं जिन्होंने अपने देश के लिए इतना बड़ा त्याग किया है। साथियों, ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे राष्ट्र सेवा और समर्पण की अमर गाथा के प्रतीक राष्ट्रीय पुलिस मेमोरियल को देश को समर्पित करने का अवसर मिला है। इस मेमोरियल में बना सेंट्रल स्कल्पचर हर पुलिस के सामर्थ्य, शौर्य और सेवा भाव का प्रतीक है। शिला के नीचे का जल प्रवाह हमारे समाज में निरंतर बहती सद्भावना का प्रतीक है। द वॉल ऑफ वैलर पर उन 34,844 पुलिसकर्मियों के नाम है जिन्होंने देश के अलग अलग राज्यों में अलग अलग चुनौतियों से निपटते हुए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। मुझे विश्वास है कि इस मेमोरियल के नवनिर्मित म्यूजियम में रखी एक एक वस्तु, एक एक स्मृति यहां आने वाले हर देशवासी, हमारे देशवासी को, हमारे युवा साथियों को, हमारे देश के भविष्य, हमारे बच्चों को अपनी पुलिस और पैरामिलिट्री व्यवस्था के गौरवशाली इतिहास के बारे में प्रेरणा देगी। जिस प्रकार आप सभी अपने कर्तव्य के पथ पर दिन रात बिना रुके, बिना थूके अटल रहते हैं, हर मौसम में, सर्दी में, गर्मी में, बारिश में, बर्फ में, हर समय, हर त्योहार पर सेवा के लिए तैनात रहते हैं, कुछ यही भावना इस मेमोरियल को देखते भर से ही अपने भीतर झलकती है। साथियों, यह आप सभी की सजगता का ही परिणाम है कि देश को अशांत करने वाले तत्वों को निराशा हाथ लगती है। देश में डर और असुरक्षा का माहौल पैदा करने की अनेक साजिशों को आप नाकाम किया है। ऐसी साजिशें जिनकी जानकारी भी बाहर नहीं आ पाती, ऐसी दिलेरी जिस पर सार्वजनिक तौर पर कभी आपको प्रशंसा तक नहीं मिलती, शांति से गुजरने वाला देश का प्रत्येक पल, देशवासियों का प्रत्येक पल आपके इसी कर्तव्य भाव, सेवा भाव से ही संभव है। साथियों, आज का दिन जम्मू कश्मीर में शांति और व्यवस्था कायम करने के लिए आतंक से निपटने वाले हर जवान को याद करने का भी है। देश के नक्सल प्रभावित जिलों में जो जवान अभी ड्यूटी पर तैनात है, उनसे भी हमें यही कहूंगा कि आप बेहतरीन काम कर रहे हैं और शांति स्थापना की दिशा में आप तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। अगर आज
नक्सल प्रभावित जिलों की संख्या कम हो रही है, उन इलाकों के ज्यादा नौजवान मुख्य धारा से जुड़ रहे हैं, तो इसमें आपके प्रयासों भी बहुत बड़ी भूमिका है। नॉर्थ ईस्ट में डटे हमारे साथियों का शौर्य और बलिदान भी अब शांति के रूप में हम अनुभव कर रहे हैं। शांति और समृद्धि का प्रतीक बन रहे हमारे उत्तर पूर्व के विकास में आपका भी योगदान है। साथियों, आज का ये दिन देश में आपदा प्रबंधन में जुटे किसी प्राकृतिक संकट के समय या हादसे के समय राहत के काम में जुटने वाले उन जवानों को भी याद करने का है जिनकी सेवा की बहुत चर्चा नहीं की जाती है। मैं आज देशवासियों को कहना चाहता हूं, पिछले कुछ वर्षों से कहीं पर भी प्राकृतिक आपदा होती है तो आपने देखा होगा एनडीआरएफ लिखे हुए या एसडीआरएफ लिखे हुए जवानों को यूनिफॉर्म में रात दिन वहां कड़ी मेहनत करके लोगों की जान बचाते हुए आपने देखा होगा। लेकिन देश को पता नहीं है ये वही खाकी वर्दी वाले मेरे पुलिस के जवान हैं। देश उनके साहस को, उनके समर्पण को, उनकी सेवा को कभी न भूले। बहुतों को तो पता तक नहीं होता कि कोई इमारत गिरने पर, नाव हादसा होने पर, आग लगने पर, रेल के अंदर हादसे होने पर राहत के काम की कमान संभालने वाले लोग कौन है। देश के हर राज्य में, हर पुलिस स्टेशन, हर पुलिस चौकी में तैनात राष्ट्र की हर संपदा की सुरक्षा में जुटे साथियों को, राहत के काम में जुटे साथियों को, आप सभी को मैं आज इस महत्वपूर्ण अवसर पर, इस स्मृति दिवस पर अंतःकरण पूर्वक बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, ये स्मारक सेवा और शौर्य का प्रतीक तो है ही, साथ में ये सरकार की प्रतिबद्धता को भी दर्शाता है जिसका आधार राष्ट्र रक्षा और राष्ट्र निर्माण से जुड़े हर भारतीय का सम्मान है। आज मुझे राष्ट्रीय पुलिस मेमोरियल पर गर्व है, लेकिन कुछ सवाल भी है। आखिर इस मेमोरियल को अस्तित्व में आने में आजादी के 70 वर्ष क्यों लग गए? जिस हॉट स्प्रिंग इंसिडेंट के बाद पुलिस स्मृति दिवस मनाया जाता है वो भी तो 60 वर्ष पहले की घटना है, फिर इतने वर्ष इंतजार क्यों? साथियों, देश के पुलिस बल को समर्पित ऐसे मेमोरियल का विचार 25-26 वर्ष पहले कौंधा था, तब की सरकार ने इसको मंजूरी भी दे दी थी, लेकिन इसको जमीन पर उतारने के लिए पहला कदम अटल बिहारी जी वाजपेयी जी की सरकार ने उठाया और 2002 में तत्कालीन गृह मंत्री आदरणीय अडवाणी जी ने इसका शिलान्यास भी किया था। आज अडवाणी जी यहां स्वयं उपस्थित है, अपने उस सपने को साकार होते देखने के लिए वो गौरवान्वित होते होंगे। वो भली भांति जानते हैं कि उनके द्वारा शिलान्यास के बाद किसी तरह इस मेमोरियल का काम आगे नहीं बढ़ पाया। मैं मानता हूं कि कानूनों की वजह से कुछ वर्ष काम रुका, लेकिन पहले की सरकार की इच्छा होती, उसने दिल से प्रयास किया होता तो ये मेमोरियल
कई वर्ष पहले बन गया होता, लेकिन पहले की सरकार ने आडवाणी जी द्वारा स्थापित पत्थर पर धूल जमने दी। 2014 में जब फिर एनडीए की सरकार बनी तो हमने बजट आवंटन किया और आज ये भव्य स्मारक देश को समर्पित की जा रही है। शायद अच्छे काम करने के लिए ईश्वर ने मुझे ही चुना है, मुझे ही पसंद किया है। ये हमारी सरकार के काम करने का तरीका है। आज समय पर लक्ष्यों को प्राप्त करने की कार्य संस्कृति विकसित की गई है। आपको याद होगा, यहीं दिल्ली में पिछले साल अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर का लोकार्पण किया गया है। इस सेंटर पर चर्चा भी 1992 के आसपास शुरू हुई थी, लेकिन दो दशक तक इसकी भी फाइल दबी रही। इस सरकार के आने के बाद फाइल खोजी गई, सेंटर का शिलान्यास हुआ और लोकार्पण भी हो गया। ऐसे ही बाबा साहब आम्बेडकर के घर 26 अलीपुर रोड पर नेशनल मेमोरियल बनाने का काम अटल जी के समय शुरू हुआ था। उनकी सरकार के जाने के बाद इस प्रोजेक्ट पर भी काम रुक गया। हमारी सरकार आने के बाद शिलान्यास हुआ और इसी साल अप्रैल में उसका भी लोकार्पण करने का सौभाग्य मिला। मुझे खुशी है कि आज ये भव्य स्मारक दुनिया को प्रेरित कर रहे हैं। साथियों, कभी कभी तो बड़ा गंभीर सवाल मेरे मन में उठता है कि देश के लिए अपना सर्वस्व समर्पित करने वालों, वीरता और बलिदान देने वालों के प्रति पहले की सरकार की इतनी बेरुखी का कारण क्या था। ये तो हमारी परंपरा, हमारी संस्कृति का हिस्सा कभी नहीं रहा। हम तो वो लोग हैं जिन्होंने भूखे रहते हुए भी राष्ट्र की आन बान शान के लिए सब कुछ न्योछावर कर दिया। मुझे गर्व है कि बीते 4 वर्षों से हम फिर उस परंपरा को स्थापित करने में सफल हुए हैं, जहां हर उस व्यक्ति का सम्मान सुनिश्चित हुआ है जिसने राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान दिया है और राष्ट्र निर्माण का प्रहरी है। आज राष्ट्रीय पुलिस मेमोरियल का लोकार्पण उसी परंपरा की एक कड़ी के रूप में है। आज से ठीक 10वें दिन 31 अक्टूबर को मुझे गुजरात के केवड़िया में सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की एक गगनचुंबी प्रतिमा का अनावरण करने का सौभाग्य मिलेगा। दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा सरदार साहब के देश के प्रति किए गए योगदान का ये प्रतिबिंब होगी। साथियों, मेरा मानना है कि स्मारक सिर्फ घूमने फिरने की स्थान भरना रहे, बल्कि ऐसी एक व्यवस्था के तौर पर विकसित हो जहां से नई पीढ़ी को हमारी परंपराओं, देश के गौरव का ज्ञान मिले, पुलिस के परंपराओं पराक्रमों की जानकारी मिले। मेरा तो सुझाव होगा कि देश के लिए त्याग और तप करने वाले हमारे हर शहीद की प्रतिमाएं उन स्कूलों में भी लगे जहां वो पढ़े थे, उन गांवों में लगे जहां के वो रहने वाले थे। जब हमारे विद्यार्थी हमारे महावीरों की प्रतिमाओं को देखेंगे तो एक नई प्रेरणा उन्हें प्राप्त होगी। साथियों, हमें वो वातावरण तैयार करना चाहिए कि जब भी पुलिस का, पैरामिलिट्री फोर्स का, सेना का जवान कहीं से गुजरे तो सहज ही सम्मान का भाव जाग जाए। ये पुलिस मेमोरियल शहीदों की प्रतिमाएं, उनकी गाथाएं हमें इसी दिशा में की ओर ले जाएगी। आज इस अवसर पर मैं आपके बीच एक महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक ऐलान भी करना चाहता हूं। साथियों, देश में विपदा की स्थिति में, किसी प्राकृतिक आपदा की स्थिति में सबसे पहले
हमारी पुलिस और पैरामिलिट्री के जवान ही पहुंचते हैं। इनके बिना नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स एनडीआरएफ की कल्पना भी नहीं की जा सकती। संकट के समय ये दूसरों का जीवन बचाने के लिए अपने जीवन को दांव पर लगा देते हैं, लेकिन ये भी सच है कि उन विकट परिस्थितियों में अक्सर इस बात पर ध्यान ही नहीं जाता। स्थितियां सामान्य होने के बाद तो अपने अपने थानों, अपने अपनी बटालियन में वो वापस लौट चले जाते हैं। आपदा प्रबंधन में दूसरों का जीवन बचाने वाले ऐसे पराक्रमी सेवाव्रती वीरों के लिए आज मैं एक सम्मान का ऐलान कर रहा हूं। ये सम्मान भारत माता के वीर सपूत नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के नाम पर प्रति वर्ष 23 जनवरी उनकी जन्मतिथि पर घोषित किया जाएगा। असंभव को संभव बना देने वाले अंग्रेजों को भारत छोड़ने के लिए मजबूर करने में बड़ी भूमिका निभाने वाले हमारे सुभाष बाबू का नाम इस सम्मान का और गौरव बढ़ाएगा। हम सभी के लिए ये भी गौरव की बात है कि आज ही उनके द्वारा स्थापित आजाद हिंद सरकार के 75 वर्ष पूरे हो रहे हैं। भाइयों और बहनों, शौर्य, पराक्रम और बलिदान की वैभवशाली परंपरा, शानदार अतीत के साथ ही वर्तमान और भविष्य की चुनौतियों पर भी आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। आज तकनीक ने जीवन को पूरी तरह से बदल दिया है। जाहिर है इसका असर क्राइम के तौर तरीकों पर भी पड़ रहा है। अपराधी टेक्नोलॉजी को हथियार बना रहे हैं। अफवाह और साइबर क्राइम एक बड़ी चुनौती के रूप में उभर रहा है। ऐसे में दूसरी एजेंसियों के साथ बेहतर तालमेल के अलावा पुलिस तंत्र को टेक्नोलॉजी और इनोवेशन का समावेश अपने कामकाज में अधिक करना होगा। साथियों, इस दिशा में देश भर में अनेक सार्थक प्रयास भी हो रहे हैं। देश के अनेक राज्यों में सोशल मीडिया पर या फिर ऑनलाइन एफआईआर जैसी सुविधा पुलिस दे रही है। ट्रैफिक संबंधी शिकायतें भी सोशल मीडिया के माध्यम से हैंडल हो रही है। ये सराहनीय कदम है। इनको हमें उस स्तर पर ले जाना है कि सामान्य शिकायतों के लिए, छोटी छोटी वेरिफिकेशन के लिए किसी को थाने तक आने की नौबत न पड़े। साथियों, आप सभी को ये भी जानकारी है कि पिछले वर्ष ही पुलिस सुधार की तरफ सरकार ने बड़ी पहल की थी। एमपीएफ यानी मॉडर्नाइजेशन ऑफ पुलिस फोर्स स्कीम के तहत करीब 25,000 करोड़ रुपए 2019-20 तक पुलिस इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी और ट्रेनिंग पर खर्च किए जा रहे हैं। इस योजना से आधुनिक हथियार, पुलिस की मूवमेंट तेजी से हो, इसके लिए जरूरी सामान और टेक्नोलॉजी, कम्युनिकेशन सिस्टम का आधुनिकीकरण, ऐसे अनेक कार्य किए जा रहे हैं। इसके अलावा पुलिस स्टेशन को इंटीग्रेटेड कर नेशनल डेटाबेस ऑफ क्राइम एंड क्रिमिनल रिकॉर्ड बनाने की योजना पर भी काम चल रहा है। इस डेटाबेस को न्याय प्रणाली के दूसरे संस्थानों जैसे जेल हो, फॉरेंसिक लैब हो, इनके साथ जोड़ने का भी प्रयास किया जा रहा है। सरकार का प्रयास है कि हमारी कानून व्यवस्था और ट्रैफिक की व्यवस्था बेहतर करने के लिए स्मार्ट टेक्नोलॉजी हर राज्य, हर शहर तक पहुंचे। लेकिन टेक्नोलॉजी मानवीय संवेदनाओं की भरपाई कभी नहीं कर सकती। यही कारण है कि पुलिस फोर्स के हर सदस्य की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। आप समाज के सबसे कमजोर,
दबे कुचले पीड़ित शोषित का सबसे पहला डिफेंस है, पहले दोस्त है, जिसको मुश्किल परिस्थितियों में सबसे पहले आपको याद किया जाता है। लिहाजा आपकी भूमिका कानून कायदे को स्थापित करने की तो है, संवेदना के साथ लोगों का दुख समझना, उनके आंसू पहुंचने की भी है। थाने में पहुंचे हर पीड़ित शोषित को एक गिलास ठंडा पानी पिलाने से, दो बोल प्यार से बोलने से पुलिस और समाज का यह बंधन और मजबूत हो जाएगा। जब यह बंधन मजबूत होगा तो सहयोग और जन भागीदारी की व्यवस्था भी और मजबूत होगी। इससे अपराध कम करने में आप सभी को समाज की तरफ से बहुत बड़ी मदद मिलेगी और यह मेरा पक्का विश्वास है। अंत में एक बार फिर पुलिस स्मृति दिवस पर इस आधुनिक राष्ट्रीय पुलिस मेमोरियल, तो पुलिस स्मृति दिवस के मौके पर आप देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुन रहे थे।